Hello viewers. So here we are talking about the immunity problems. खास करके जब भी हमें कुछ भी किसी भी टाइप का डिजीज होता है तो हमें जनरली पेशेंट्स बहुत ही कॉमनली पूछते हैं कि क्या मेरी इम्यूनिटी सही नहीं है, या तो मुझे इम्यूनिटी बढ़ानी है, या तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहे. सो इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग विच इज अ काइंड ऑफ स्टफ कि जिसको हमेशा वो लो ही होती है उसको बढ़ाने से हमें डिजीज नहीं होता है. इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स आर फंडामेंटली वी कैन क्लासिफाई इट इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज अ प्रॉब्लम्स विद द लो इम्यूनिटी, जिसमें हमें बार बार बुखार आ जाना, वायरल इन्फेक्शंस लगना, बार बार टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां होते रहना, बार बार सर्दी जुकाम होते रहना. तो ये सारी जो बीमारियां हैं उसको वी कैन टर्म इट एज अ लो इम्यूनिटी प्रॉब्लम. द अदर काइंड ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू द इम्यूनिटी आर द डिजीजेस बिकॉज ऑफ द हाइपर रिस्पॉन्सिव इम्यूनिटी, जिसको इन अदर वर्ड्स इन दी अदर डायमेंशन इन अ लेमेंस टर्मिनोलॉजी वी टर्म इट एज अ एलर्जी, कि जिसमें एक्चुअली इम्यूनिटी लो नहीं है पर इम्यूनिटी को जितना रिस्पॉन्स देना चाहिए, द इंटेंसिटी ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स गोज टू अ वेरी हायर डिग्री. तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल आया, एक छोटा सा पोलन आया, तो एक छींक, एक स्नीज से काम चल सकता था, पर बॉडी उसके लिए पूरा का पूरा आर्मी लगा देती है. एंड फाइनली वी एंड अप विद द ब्रेथलेसनेस, वी एंड अप विद द ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत. तो ये जो है इसको वी कैन टर्म इट एज अ हाइपर रिस्पॉन्सिव इम्यूनिटी, विच इन अदर वर्ड्स वी कैन टर्म इट एज एन एलर्जी एज वेल. एंड द थर्ड इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम इज द ऑटो इम्यून डिजीजेस, जिसमें हमारे ही बॉडी के सेल्स हमारे ही बॉडी को, बॉडी के और सेल्स को एनिमी गिन के उसके सामने काम करने लगते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज ऑटो इम्यूनिटी. अपने खुद के ही जैसे हमारी कश्ती वहाँ डूबी जा, पानी कम था, हमारे खुद के दोस्त ही बेगाने हो गए, ऐसी जो शेरो शायरी होती है ना, ऐसे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स हमारे लिए काम करने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी हमारी दुश्मन बन जाती है. So that is termed as a autoimmune diseases. So homeopathy is having a major efficacy, major efficacy I would rather say, in all these three kind of diseases. और इधर तो हमारा major role इसलिए है कि in the area of modern medicine, in the area of few other branches of medicine as well, उनके पास शायद low immunity के लिए कुछ supplements हैं, कुछ और alternates हैं, पर जहाँ पे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि एलर्जी की बात आती है और जहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी की बात आती है, इन बोथ ऑफ दीज केसेस द अदर मेडिकल ब्रांचेस आर हैविंग सॉल्यूशन फॉर द सिम्टम्स ओनली. जैसे कि एलर्जिक अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, तो सूजन कम करने के लिए दवाई है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दवाई है, सांस आप ले पाए इसके लिए ब्रोंको डायलेटर्स हैं, पंप हैं, नेबुलाइजर्स हैं, पर वो जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने का इम्यूनिटी का टेंडेंसी है उसके लिए नथिंग. सिमिलरली ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, जैसे सोरियासिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, तो वो सोरियासिस के फ्लेक्स कम हो उसके लिए क्रीम्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं इन दी मॉडर्न मेडिसिन, या तो इन अदर मेडिसिन अदर ब्रांचेज एज वेल. बट हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारा ये अंदर से हो गया, ये एनिमी डायमेंशंस, एनिमी परसेप्शंस ऑफ द सेल्स, उसको बदल पाए, उसको मॉड्यूलेट कर पाए, उसको मॉडरेट कर पाए, ऐसी कोई दवाई और कोई भी मेडिकल ब्रांचेस में नहीं है एक्सेप्ट होम्योपैथी. इधर मेरा इरादा और मेडिकल ब्रांचेस को क्रिटिसाइज करना नहीं है, पर होम्योपैथी के स्कोप को क्लियर करना है, दैट होम्योपैथी in the cases of autoimmune diseases like ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, like psoriasis, like many kind of eczemas, like SLEs, like thyroid disorders, ये सारे autoimmune diseases हैं, diabetes even. So ये सारे diseases में जो ये altered immune response है उसको वापस से normal कर सकता है. So that's why homeopathy is working as a immunomodulator in these autoimmune diseases.
इवन न्यूरोलॉजिकली जैसे मायस्थेनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हर एक में बैकग्राउंड में ऑटो इम्यूनिटी है. सो उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन वी कैन मॉडरेट, इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडरेट कर सकते हैं. सिमिलरली इन द केसेस ऑफ एलर्जी, जो हाइपर सेंसिटाइज्ड इम्यून सिस्टम हो गया है उसको हम मॉडरेटली सेंसिटाइज्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन. एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ द लो इम्यूनिटी डिजीजेस, वी आर इंक्रीजिंग एन इम्यूनिटी एंड वी आर मेकिंग इट कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस. मतलब आपने अगर एक पानीपुरी खा ली जिसमें साल्मोनेला टाइफाइड था और आपके दोस्त ने खा ली, पर अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ऑलरेडी ले रहे हैं तो यू विल हैव द लेस चांसेस ऑफ गेटिंग टाइफॉइड देन योर फ्रेंड बिकॉज यू आर ऑलरेडी अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. और इफ यू आर टेकिंग होम्योपैथी रादर देन टेकिंग एनी अदर मेडिसिन, और यू आर ओवर यूजिंग द एंटीबायोटिक्स, और इफ यू आर ओवर यूजिंग द एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स विच आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर आर जनरल सिस्टम्स, तो दिस इज हाउ होम्योपैथी हेल्प्स in immunity problem. So in case of any immune related disorders, may it be a joint problem like rheumatoid arthritis, may it be some skin related allergies or immune response, autoimmune problems or respiratory system ke sath juda hua immune response ya autoimmune diseases ya to allergies ya to low immunity ki wajah se hote hue koi bhi problem, in all these cases homeopathic treatment is having the most powerful source of providing you a cure without any kind of side effects. And this is what we see in everyday OPD. I can't give you one example or two examples. Many times patients ask also, आपके पास ऐसे केस है क्या? तो मैं आपको एक बात बहुत clearly बता देना चाहता हूँ. We at Dr. Mankads Homeoclinic, we have the cases of all different kind of immune related problems. And I will still give you a broader idea that not only Dr. Mankads Homeoclinic, but generally any homeopath who is practicing genuinely with the help of homeopathy, authentically with the help of homeopathy, will have these kind of cases. But saying about our institution, we at our clinic, we encounter the immunity related issues every day in our OPD, and with all our expertise, we'll be more than happy to serve you as well for any kind of immune related problems. Feel free to contact through any of the mediums. It could be an online treatment request, it could be an offline coming at the clinic, or it can be just through our social media areas. You can anytime come and we'll be more than happy to help you with immune related disorder. But never forget to opt homeopathy for immunity related problems. Thank you very much. Take care.